जय श्री राम। जब पेड़ों का यू हाल है तो भाई आदमी का हाल देख लो तुम क्या होगा। रात के टाइम इसी वजह से भाई मैं साइकिल ही नहीं करता। ये देखो भाई कितने का नुकसान हो गया। अगर तुम गन्ने का रस पियोगे तो भाई साहब शरीर में ताकत ऐसी आ जाएगी तुम कुछ भी कर सको। नमस्ते एवरीवन, मैं नाम मोहित चौहान, मैं कर रहा हूँ सर्टिफाइड हार्ड साइकिलिंग चैलेंज दिल्ली टू कन्याकुमारी। आज मेरा 54वां दिन है। तो भाई लोग मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है दिल्ली टू कन्याकुमारी। अब मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी टू दिल्ली वापस यानी कि रिटर्न। तो भाई लोग अगर मैं 75 डेज के अंदर ये कंप्लीट करता हूँ दिल्ली टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू दिल्ली, अगर 75 डेज के मैं अंदर कंप्लीट करता हूँ तो भाई लोग मैं एक रिकॉर्ड बना दूंगा। अभी तक किसी ने MTV से सोलो ट्रैवलिंग करके रिकॉर्ड नहीं बनाया, पर तुम्हारा भाई बनाने जा रहा है। तुम्हारे भाई में दम है। तो भाई लोग इस सफर में मेरा साथ दो और जितना हो सके अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे पास अब टाइम बहुत कम है और दूरी बहुत ज़्यादा है। अब मुझे डेली 100-120 किलोमीटर साइकिलिंग चलानी पड़ रही है। आज मैं जा रहा हूँ नागपुर के लिए। नागपुर यहाँ से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। कल मैं हैदराबाद से निकला था और भाई 12 बज गए थे मुझे हैदराबाद से निकलने में, क्योंकि सैनी की तबीयत ख़राब हो रखी थी तो उसे ठीक करवाना था। और उसके बाद 6.5 घंटे कंटिन्यू साइकिलिंग करने के बाद मैं पहुंचा था यहाँ पे। 97 किलोमीटर मैंने कल साइकिलिंग की थी। डेली 100-120 किलोमीटर मुझे साइकिलिंग करनी पड़ेगी तभी जाके मैं दिल्ली पहुंच पाऊँगा, वो भी अपने टाइम पे जो मैंने बोल रखा है 1 मार्च। कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और रात के टाइम जब मैं लेटता हूँ ना तब तो इतनी ज़्यादा होती है, मतलब कि रात मुझे 2-3 घंटे की नींद मिली है बस, मुझे रात नींद भी नहीं आई पूरी रात। खास तरह अब आके ठीक है, और जब मैं शाम के टाइम जैसे ही सोने की तैयारी करूँगा तब भी एकदम स्टार्ट। और एक रात काफ़ी हवा भी चल रही थी भाई, क्योंकि अब थोड़े धीरे धीरे ठंड आती जा रही है। ये देखो हवा ही चल रही है बाहर। अब जल्दी से जल्दी फिर टेंट को पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई लोग तुम्हारे भाई ने यहाँ पे टेंट लगाया था, टेंट ये मेरा ये रहा यहाँ पे, और शेरनी को जस्ट इसके पीछे ही लॉक कर दिया था। और भाई टेंट से जरूर बांध देता हूँ मैं शेरनी को, कभी कोई उठा ले तो मुझे थोड़ा बहुत पता तो लगेगा ऐसे टेंट हिलेगा, तो भाई पूरा सेफ्टी रखना पड़ता है। और भाई लोग पेट्रोल पंप पे रुकने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी बात है भाई मेरा फ़ोन चार्ज हो जाता है। फ़ोन तो चार्ज मैं रात को करता भी नहीं, क्योंकि भाई पावर बैंक चार्ज करने के लिए देता हूँ वो चार्ज होता है, तो उसी से मेरा फ़ोन चार्ज होता है बस। मैं कहीं पर फ़ोन वैसे चार्ज नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पावर रहती है और 2400 घंटे के लिए खुला रहता है, और यहाँ पे कोई ना कोई बंदा रहता ही है हर टाइम। पेट्रोल पंप वाकई में बहुत ज़्यादा सेफ है। अगर कोई सेफ जगहों में से बताऊँ तो पेट्रोल पंप ज़्यादा सेफ है। मंदिर, पेट्रोल पंप, बस और कुछ नहीं। आज मौसम थोड़ा ठंडा है, नहीं तो भाई गर्मी। आज ठीक है मौसम, मतलब थोड़ी ठंड हो रही है। जैसे ही हैदराबाद क्रॉस किया ना अब थोड़ी ठंड होने लगी है, जैसे ही नागपुर क्रॉस करूँगा तो ठीक हो जाएगा मौसम। महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत जाके दिक्कत हो सके, गर्मी वगैरह होगी, पर जैसे ही महाराष्ट्र क्रॉस हो जाएगा ना MP में एंटर करूँगा सब कुछ ठीक। नागपुर यहाँ से 407 किलोमीटर दूर है। अब 3-4 दिन में मुझे कवर करना पड़ेगा, ये सोच रहा हूँ कि 3 दिन में ही कवर कर दूँ, देखते हैं क्या होता है। 7:55 में स्टार्ट की थी राइड और अब 8:54 हो रही है। और भाई एवरेज पता है कितने का यार, 25 किलोमीटर का। हाईवे एक तो एक नंबर है और ऊपर से भाई साहब मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो भाई 25 का एवरेज आया 25 किलोमीटर एक घंटे में। तो भाई स्पीड अच्छी आ रही है आज। आज मेरा टारगेट है कम से कम 150+ का। सोच रहा हूँ कि आज अपना हाईएस्ट बना दूँ 200 किलोमीटर, देखते हैं शाम होते होते कितना किलोमीटर कवर होता है। कोशिश तो यही रहेगी कि 200+ कर दूँ आज। तो भाई लोग तुम्हारे भाई ने 2 घंटे में 50 किलोमीटर कवर किया है 2 घंटे में, और अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के रेस्ट करूँगा और फिर उसके बाद निकलूँगा, क्योंकि भाई 2 घंटे हो गए हैं कंटिन्यू साइकिलिंग कर रहा था तुम्हारे भाई और 50 किलोमीटर कवर किया 2 घंटे में। तो देख सकते हो भाई कितनी अच्छी स्पीड आ रही है, मौसम भी आज अच्छा है, और भाई रोड की बात करें तो भाई इतनी तेज़ जा रही है ना सही नहीं, बहुत तेज़, बिल्कुल प्लान रोड है।
थोड़ा बहुत ऊपर अप डाउन है तो कोई नहीं, वो थोड़ा बहुत कवर कर लेता है तुम्हारे भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही वैसे रोड रोड पे चलने में, सब कुछ सही है। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई लोग देखो कितना बड़ा हादसा हुआ, ये ट्रक कैसे आया भाई साहब, वो डिवाइडर पे लगते ही पलट गया और भाई नारियल भरे पड़े थे इसमें। ओ भाई देखो कितना का नुकसान हुआ। सबसे बड़ी वजह यही है कि रात के टाइम मैं साइकिलिंग नहीं करता, इसी वजह से नहीं करता क्योंकि भाई ट्रक का कुछ नहीं पता, कब आपा खोदे कुछ पता नहीं भाई, कब लपेटे में आ जाऊँ मैं, तो इसी वजह से मैं रात के टाइम साइकिलिंग करता ही नहीं। तो जब मजबूरी हो जाती है तभी साइकिलिंग करता हूँ, 8 बजे तक 9 बजे तक, नहीं तो तुम्हारा भाई जैसे ही शाम होती है तो स्टे का देखने लगता है, अगर कहीं पे स्टे नहीं मिलता तब मजबूरी हो जाती है साइकिलिंग करने की, क्योंकि तो भाई हादसा तुम देख लो, अगर आसपास कोई भी आदमी हो तो उसे तो कुचल ही देगा बिल्कुल। देखो पेड़ का, पेड़ों का हाल देखो क्या हो रखा है, जब पेड़ों का यूँ हाल है तो भाई आदमी का हाल देख लो तुम क्या होगा। रात के टाइम इसी वजह से भाई मैं साइकिलिंग नहीं करता, ये देखो भाई कितने का नुकसान हो गया, और भाई नारियल नारियल भरा पड़ा पूरे इसमें ट्रक में। अगले का लाखों का नुकसान हो गया और एक बंदा आके बोल रहा है कि नारियल दे दो, अबे यार लोगों की भी हद ही है यार। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर तुम गन्ने का रस पियोगे तो भाई साहब शरीर में ताकत ऐसी आ जाएगी तुम कुछ भी कर सको। जब इसे पी के तुम्हारा भाई 100-150 किलोमीटर साइकिलिंग चला रहा तो तुम भी तो भाई कुछ ना कुछ तो करोगे ही भाई, गन्ने का रस वाकई में गन्ने का रस है, कुछ भी करो। 2-3 गिलास में काम नहीं चलता तो बोतल ही भरवा ली, क्योंकि तुम्हारा भाई इस टाइम ना तो कोई सप्लीमेंट वगैरह ले रहा ना कोई, मतलब कुछ नहीं, मतलब एनर्जी के लिए तो कुछ भी नहीं, मतलब कि ग्लूकोज वगैरह कुछ नहीं, बस गन्ने का रस, नारियल पानी और बस केले वगैरह यही चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा, फल फ्रूट बस, इससे अलावा कुछ नहीं। बड़े 1 लीटर रस की बोतल होगी तैयार, अभी सब पी के और फिर चलाओगे, कम से कम आज 200 किलोमीटर साइकिलिंग चलानी है तो इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो भाई लोग यहाँ पे थोड़ी देर खाना पीना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद अब दोबारा फिर निकल रहे हैं, और एक खांसी ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया, कहीं पे मेडिकल स्टोर नहीं मिल रहा है जहाँ पे दवा ले लूँ, कम से कम 4-5 दिन से कंटिन्यू खांसी हो रही है और दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, बैठे बैठे भी खांसता रहता हूँ। कोई नहीं, देखता हूँ कि आगे अगर कोई शॉप मिलेगी तो वहाँ से दवाई लेंगे, नहीं तो फिर आज भी पूरी रात ऐसे ही काटनी पड़ेगी, रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अभी तो थोड़ी बहुत हो रही है फिर रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा। चलो भाई चलते हैं क्योंकि आज 150+ साइकिलिंग करनी है, 3 बजने वाले हैं, चलो निकलते हैं। सुबह से लेके अभी तक मेरा 100 किलोमीटर कम्प्लीट हो गया है, अब बाकी का अब कम्प्लीट करेंगे, टाइम कम है दूरी ज़्यादा है तो इस वजह से कंप्लीट करना पड़ेगा, 150+ तो करना है आज कुछ भी हो। लोकेशन दिल ने छू जा बिल्कुल। तो भाई लोग अब 5 बजने वाले हैं और अब तक जो सफ़र हुआ है वो 120-125 किलोमीटर हो गया अभी तक, तो आज 150+ करना है तो जितना हो सकता है भाई चलना पड़ेगा विद अब। तो भाई लोग तुम्हारे भाई को स्टे मिल गया फाइनली। क्या हुआ कि जो पेट्रोल पंप है ना, ये इससे अगला जो पेट्रोल पंप था वो 36 किलोमीटर दूर था और रात हो गई थी, ये पूरा जंगली इलाका है और दूसरा क्या है कि ये पहाड़ी इलाका है, पूरा जंगल भी है और पहाड़ भी है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे रुकना पड़ गया, नहीं तो 36 किलोमीटर बाद था तो काफ़ी रात हो जाती तो जंगली जानवरों को खतरा है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर रुक गया, टेंट लगा लिया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। आज तुम्हारे भाई ने 152 किलोमीटर साइकिलिंग की है, वैसे तो भाई लोग मैं सोच रहा था कि 180+ किलोमीटर साइकिलिंग करूँ पर अंधेरा ज़्यादा हो गया तो इस वजह से कर नहीं पाया, तो आज 152 किलोमीटर साइकिलिंग हुई। तो आज का व्लॉग तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।